बहुत कम ही ऐसे होते हैं जिन्हें अगर धन दौलत पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। बहुत कम ऐसे होते हैं, वरना अगर ये ऐसी चीज है, ये किसी को मिल जाए ना, अहंकार आना स्वाभाविक है। एक जगह मैंने सुना था, बड़ी अच्छी बात है कि खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब यहां हुस्न का मतलब केवल सुंदरता नहीं है और नजाकत का मतलब केवल वो सुंदरता वाली नजाकत नहीं है। हुस्न यानी सुंदरता, ज्ञान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, और नजाकत का यानी अहंकार। तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। ये चीजें अगर वो दे दे तो अहंकार आना स्वाभाविक है। तो इंद्र को भी अहंकार था, और हम इंद्र की बात करें, अपनी बात करें, हम तो बहुत छोटे हैं। भगवान को देखिए आप, श्री कृष्ण, ये जब पहले कहां रहे, लक्ष्मी जी से जब इनका विवाह नहीं हुआ था तो ये कहां रहते थे? ठाकुर जी पहले कहां रहते थे जब लक्ष्मी जी के साथ विवाह नहीं हुआ था? तो द्वारिका। विवाह हो गया तो कहां चले गए? हाँ, विवाह होने के बाद कहां गए? लक्ष्मी जी से जब विवाह हो गया तो ठाकुर जी कहां रहने लगे? शीर सागर में। किस पर सोते हैं? शेषनाग, सोने का स्थान है वो। द्वारिका का महल छोड़कर वो कहां रहने चले गए? शीर सागर में, शेषनाग पर। तो भक्त कहता है कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, कि लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के बाद बुद्धि चली जाती है, ये कोई अचरज की बात नहीं है। तो अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। अरे, जिनके कमल जैसे बड़े बड़े नयन हैं, साफ साफ दिखता है, वो शेषनाग पर जाकर सो गए लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ते ही। तो हम और आप तो क्या क्या कर बैठे। कहते हैं कि बड़ सैया बड़ होत है, ज्यो बामन मुझ दंड। जब बामन अवतार ठाकुर जी ने लिया था, आप सब जानते हैं बामन अवतार ठाकुर जी ने लिया था, तो उनके हाथ में दंड था, लकड़ी का, साधारण सा लकड़ी का दंड था, छोटा सा, उसमें कोई खास बात तो है नहीं। कितनों के घर में ऐसे लकड़ी के दंड होते होंगे। लेकिन जब ठाकुर जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया था बामन अवतार में, तो बढ़ते 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 ठाकुर जी ब्रह्मांड तक पहुंच गए थे। कहां तक पहुंच गए थे? ब्रह्मांड तक पहुंच गए। तो उनके हाथ में जो दंड था वो भी ब्रह्मांड तक पहुंच गया था। अब उस दंड में ऐसी क्या खास बात थी कि वो ब्रह्मांड तक चला जाए, पर वो हाथ में किसके था? तो बड़ सैया बड़ होते हैं, जो बामन बुझ दंड, और तुलसी बड़े प्रताप ते दंड गयो ब्रह्मांड। तो ठाकुर जी के साथ रहेंगे तो अपने आप ही खास बन जाएंगे, साधारण लोगों के साथ रहेंगे तो साधारण बन के रह जाएंगे। तो जिनको खास बनना है ना, वो भगवान के साथ रहो, उनकी पूजा करो, उनकी तपस्या करो, उन्हें मनाओ, अपने आप खास बन जाओगे। संसार को मनाने में रह गए ना, संसार को बनाने में रह गए तो हम उन्हें खास बनाकर और खुद साधारण बनते जाएंगे। जिसको मनाते हैं वो खास होता है, जिसकी सेवा करते हैं वो खास होता है, हम साधारण हो जाते हैं। तो संसार की सेवा करोगे तो संसार को खास बनाकर खुद साधारण रह जाओगे, और ठाकुर जी की सेवा करोगे तो उनके साथ साथ खुद भी खास बन जाओगे।